स्पाई यूनिवर्स अगली फिल्म टाइगर वर्सेस पठान को लेकर प्लानिंग कर रहा है। इसे लेकर लगातार नई नई अपडेट्स भी सामने आ रही हैं, जो फैंस को ह्यूज लेवल पर एक्साइटेड खुश कर रही हैं। ऐसा ही एक और अपडेट अब सामने आई है, जिसको सुनने के बाद से यकीनन फैंस खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि टाइगर वर्सेस पठान में शाहरुख खान और सलमान के साथ शामिल होने वाले पठान और टाइगर के उनके को एक्टर होंगे, यानी कि फिल्म में दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ भी होंगी। और ये बात पक्की हो गई है कि सलमान और शाहरुख की दोनों हीरोइंस फिल्म में काम करने वाली हैं। जोया और रुबीना वाले किरदार में ही दोनों का दम दिखेगा और दोनों पिछली फिल्मों वाले किरदार निभाएंगी। दरअसल पठान में सलमान और शाहरुख खान का ह्यूज सीन दोनों के फैंस के लिए एक बड़ा ट्रीट था, लेकिन दो स्पाई की एक बड़ी एंटरटेनर पर काम चल रहा है। खबर यह है कि मेकर्स टाइगर वर्सेस पठान को लेकर कमर कस चुके हैं और अब इसकी स्क्रिप्ट को इसके मेन कास्ट को लॉक किए जाने और जनवरी में इसे फ्लोर पर ले जाने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, खबरें आ रही हैं कि टाइगर और पठान स्टारर इस एपिक टू हीरो क्रॉसओवर फिल्म के प्लॉट को लॉक कर दिया गया है। अपडेट ये भी है कि मेकर्स इसमें सलमान और शाहरुख के एक्शन से भरपूर स्पाई अवतार को प्रेजेंट करेंगे और दीपिका और कैटरीना का भी फाड़ू एक्शन वाला पुराना अवतार दिखेगा। हालांकि प्रोजेक्ट के बारे में सभी डिटेल्स को हाइड करके रखा जा रहा है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि टाइगर और पठान एक दूसरे के साथ सीधे कॉम्पिटिशन और राइवलरी नहीं करेंगे। इसके बजाय एक कॉमन विलन होगा, जिसका दोनों शिकार करने की कोशिश करेंगे। इस विलन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ पठान टाइगर को खड़ा किया जाएगा। ऐसे में सिद्धार्थ उनके लिए खतरनाक विलेन की भूमिका निभाने के लिए किसी बड़े स्टार को कास्ट करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। पठान में अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका देने वाले जॉन अब्राहम के बाद कौन सा बड़ा नामी स्टार विलेन होगा, ये देखना अभी बाकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी टाइगर वर्सेस पठान के एक्शन सेट को कॉन्सेप्चुअलाइज्ड और डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म को फ्लोर में आने में वक्त है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म में शाहरुख और सलमान के बीच किस तरह से कहानी को क्रिएट किया जाता है और जोया और रुबीना दोनों को मिशन में कामयाब होने के लिए कैसे साथ देती हैं। खैर, आप बताइए, टाइगर वर्सेस पठान में दीपिका को रुबीना के तौर पर और कैटरीना को जोया के रूप में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।